तेरी याद है पागल मैं। वो तेरी वीडियो कहाँ भूत नहीं किया हो मन देना करो खुदा हेलो इसकी गाली को इग्नोर कर देना यार। ट्यूनिंग अस्सलाम वालेकुम सर जी, हाउ आर यू? कैसे हैं? पता करके आऊं कोई मसला? कैसे तबीयत मिल आ जाए? क्या क्या काम है सर? यार ट्यूनिंग करेंगे, लगाए गाड़ी लगाए ऐसा। ये गाड़ी खुद अपनी है, इसकी इसकी अपनी गाड़ी है, अपने नाम पे कर, खुद कर, जा जाए सर, जा चल, और उसको बोल डिस्काउंट के साथ जा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? मैं हूँ आपका अपना आदिल, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत होंगे। तो जनाब बगैर को टाइम वेस्ट की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा माशाल्लाह से तीसरा दिन है हॉस्पिटल जाने का, ना मतलब 10 इंजेक्शन हमें लग चुके हैं, 4 इंजेक्शन बाकी हैं। तो अभी चलते हैं बगैर को टाइम वेस्ट किए, अल्लाह करे तबीयत सही हो जाए तो फिर कहीं घूमने फिरने जाएँ, फिर हम कराची जाएँ, काम बहुत है हमारे। तो बगैर को टाइम वेस्ट की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखो ये भाई हमारे साथ जा रहे हैं क्योंकि इनको करवानी है कटिंग। भाई अपना चेहरा दिखा दो, फिर बाद में भी दिखाएंगे आपका चेहरा। हाय हाय सोना, क्या कह रहे हो? ढोला बहू है सोना को बहू करूँ रे। यहाँ पर जिसको देखो उसकी तबीयत खराब है, किसी को जुकाम है, किसी को खांसी है, नज़ले बाहर है, हाँ कोई मर रहा है, कोई क्या कर रहा है, बस वो देखो कोई घरों से बाहर निकल रहा है, समझ गए? बस ये चीज़ यहाँ पे हो रही है, लेकिन यहाँ मौसम बहुत अच्छा है माशाल्लाह से, ये चीज़ है यहाँ पर। अभी हम दोबारा जा रहे हैं इंजेक्शन लगवाने, अभी 2 लगेंगे रात में, फिर 2 लगेंगे फिर वाइट अभी इंशाल्लाह, लेकिन पेन बहुत है और बैक में बहुत पेन है। ये देखे आए तो हम मकान देखने हैं, वो हॉस्टल आए हुए लेकिन हम मकान में घुस गए क्योंकि फॉर सेल का बोर्ड लगा हुआ था। इसमें नमी आई हुई है क्योंकि मौसम ऐसा चला, तो अभी यहाँ पर कलर स्टार्टिंग हुआ इस दीवार के ऊपर ना। अच्छा मुख्तलिफ मकान जब आप देखते हो ना, मतलब घर लोग के देखते हो तो आपको बहुत चीज़ें आइडिया हो जाती है। ये सामने नीच बनी हुई है ना टीवी लॉन्च और ड्राइंग रूम में, यहाँ पे मोस्टली हम लोग देते हैं वॉलपेपर, लेकिन इन लोगों ने टाइल लगा दी है, टाइल भी एक अच्छा लुक दे रहा है ना, मतलब ये तजर्बा भी किया जा सकता है। खैर अभी हम जाते हैं थोड़ा ट्रिप लगाने, कामरान भाई ऊपर गए हुए मकान देखने, हम नीचे देख रहे हैं मकान, ये चीज़ है। लेकिन अच्छी चीज़ लगी हुई है, अच्छी चीज़ है, मतलब घर बन रहे हैं। लोग कहते थे ना मार्केट नहीं है इस्लामाबाद में, मार्केट इस वक्त कहीं पर भी नहीं है, पूरे कराची में पूरे पाकिस्तान में जो है प्रॉपर्टी का काम अभी ठप हुआ हुआ है, ठीक है हो गया क्योंकि हालात मुल्क कैसे चल रहे हैं ना, सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं हर चीज़। लेकिन ये है कि इस्लामाबाद में काम है माशाल्लाह से, आखिर काम है तो मकान बन रहे हैं और सेल परचेज़ हो रही है, तो करते हैं कुछ इंशाल्लाह ज़िंदगी रही। तो यहाँ पर जो है ना मेन चीज़, यहाँ मुझे गेट बहुत पसंद है, ये गेट हमेशा यूँ खुलते हैं यहाँ पर, और ये इन्होंने टाइल लगा दी है यहाँ पर। ये बेहतरीन जगह है माशाल्लाह से, ये देखो ये घर के बाहर का मंजर है, ठीक हो गया। बस इस घर की बैक साइड के पे जो है वो अलराजी हॉस्पिटल है, ये घर है तकरीबन 7-7.5 मरले का। बस ये है ब्लॉक सी, बस ये हॉस्पिटल पे हम आए हुए हैं, आई थिंक यही वाली बिल्डिंग है, मतलब इस बिल्डिंग के बाद हॉस्पिटल है, हाँ इस बिल्डिंग के बाद हॉस्पिटल है। ये देखो सफाई चेक करो यहाँ पे, और एक हमारी सफाई होती है वहाँ पर माशाल्लाह से। अच्छा यहाँ पर जो है ना मैंने जो फ्रंट एलिवेशन देखे हैं कुछ ख़ास नहीं है, मतलब ख़ास इस तरह से नहीं है कि सिंपल सिंपल है, लेकिन अच्छे हैं, डिसेंट हैं, ये ज़्यादा हाड़ा उड़ी वाले नहीं बचे हुए कि ये भी दे दिया वो भी दे दिया, सिंपल है, डिसेंट है, अच्छी चीज़ है बस, और यही चीज़ लोग पसंद करते हैं ना। यहाँ पर जो है किचन में ख़ास तवज्जो दी जाती है, ठीक हो गया, और दूसरा वॉलपेपर लगा देते हैं ये लोग क्योंकि हमारे यहाँ अब कम लगाए जा रहे हैं ना, लेकिन यहाँ वॉलपेपर लोग लगाते हैं। सेकंड ये पे बाथरूम में थोड़ा ये कमोड बेसन अच्छा दे देते हैं बस, बाकी सब वही सेम चीज़ होती है, लेकिन यहाँ बहुत पुरसकून है, हर चीज़ अमन है। अमन क्या अभी तो अब पता चलेगा जब हम इंजेक्शन लगाएंगे, अमन हमारा निकलेगा सब। अच्छा भाईजान ये जो घर है ना, इस घर के ये कॉर्नर से तकरीबन 4th मकान है, एक खाली प्लॉट है, इसके मांगने 3,20,00,000 डिमांड। ये देखें ये यहाँ पे सफाई का आलम है, ये सोसाइटी की अपनी खुद की ग्रीन बेल्ट है और ये खुद ही इसको मेंटेन करते हैं। ये मैं ज़रा आप लोगों को पौधे दिखा दूँ कौन से हैं, ये
ये भी अच्छा है थोड़ा सा ना, ये वाला अच्छा। फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे बिल्कुल पीछे बैक साइड पे, वो मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि हॉस्पिटल आ चुका है। और ये हमारे ये भाई ये गाड़ी रिवर्स कर रहे हैं सामने से ना, ये देखें ये सामने हॉस्पिटल, घर से तकरीबन 5-10 मिनट का फासला है और ये हॉस्पिटल आ जाता है। अच्छा हॉस्पिटल है माशाल्लाह से ये। आज हमारे इंजेक्शन जैसे ही कंप्लीट होंगे, मतलब 14 इंजेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे इंशाल्लाह, फिर कल डॉक्टर को दिखाना, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि मुझे कल दिखाना, फिर देखते हैं कि उसका क्या होता है, डॉक्टर क्या कहता है कि ऑपरेट करना है नहीं करना, ताकि फिर हम जाएँ कराची की तरफ ना। ये देखो फाइनली हमें जगह मिल गई पार्किंग की यहाँ पर। अच्छा ये क्या क्या है, राजी डायग्नोस्टिक सेंटर, ज़बरदस्त हो गया। अभी ये फाइनली आपका भाई यहाँ पर आ चुका है, तो हम आएंगे मुझे इंजेक्शन लगाएंगे, ठीक हो गया। मतलब छोटी सी ट्रिप होती है ना, एंटीबायोटिक या जो भी है, 15 मिनट का काम है, फिर यहाँ से हम चले जाएंगे ना। तीसरा दिन मतलब 3 दिन से बिस्टर पर लेट रहा हूँ मैं यहाँ पर आके, अजाब हो गया। ये फाइनली ये ट्रिप लगा के जा चुका है यहाँ पर, ये छोटी छोटी 2 ट्रिपें लगेंगी अभी बस, और फिर रात में रहेंगे। देखो कल डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, उनको दिखाना है। असल में मैं अभी तक कराची वापस जा चुका था, इशू ये हो रहा है कि ये फीवर बार बार हो रहा है ना, तकरीबन 2 साल से, हर हफ्ते बाद, हर 15 दिन बाद, और तकलीफ़ बहुत होती है, पेन बहुत होता है। तो हमने सोचा कि बस इसको जान छुड़ाते हैं, अब देखते हैं डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं कराची कब जाना है ना हमने इंशाल्लाह। फाइनली हम लोग यहाँ से फारिग हो चुके हैं, हमने काशान साहब को उठाना है क्योंकि उनकी कटिंग हो चुकी है, ना कॉल आ गई है। ये काशी को कहाँ छोड़ा था, वहाँ नहीं छोड़ा था सामने मेरे ख्याल से, एक बार हमारा भी स्टेयरिंग लॉक हो गया था ताला, फिर हमने गिलेंडर से काटा था, वो खड़ा है काशी, बाल कटवाया नहीं कटवाया इसने, अरे जी है शेप तो सही बनवाई है। हाँ जी हाँ जी भैया, अच्छी है चमकदा बैठे है भाई, नहीं बेहतरीन ही नहीं, क्या थे जबरदस्त, नहीं है अपने लगे थे टाइम दे दे बंदा को, बस सही है, बस सही है, मज़ा है। हाँ बैठ, मज़ा है, मज़ा क्यों ना आसी, तेरी याद है पागल हम है, वो तेरी वीडियो कहाँ भूत नहीं किया हो मन देने का डो कुत्ता इसकी गाली को इग्नोर कर देना यार। जी है अताउल्ला साहब आ गए, क्यों पूछ क्यों है, क्यों है वक्त प्यार ना लाए सही गुस्से लाल देख लिया कर देख सही साको क्यों ये देखो हम लोग सुजुकी के यहाँ पे शोरूम है ना, ये शोरूम आ चुके हैं यहाँ गाड़ी की ट्यूनिंग करवाने के लिए, इससे यह है कि गाड़ी मेंटेन रहती है कंपनी ट्यूनिंग। अस्सलाम वालेकुम सर जी, हाउ आर यू, कैसे हैं, मैं से यूपीओ को पता करके आऊं, कोई मसला नहीं, कैसे तबीयत आ जाए, दुआ दुआ मजे, क्या क्या काम है सर, यार ट्यूनिंग करेंगे लगाए गाड़ी लगाए ऐसा, ये गाड़ी खुद अपनी है इसकी, इसकी अपनी गाड़ी है, अपने नाम पे जा खुद कर जा, जाए सर जाए चल, और उसको बोल डिस्काउंट के साथ जा जी है, पूरा दब छोड़ देते हैं। ये फाइनली सुजुकी के शोरूम में हम लोग नीचे आ चुके हैं यहाँ पर, अभी यहाँ पर कामरान भाई की गाड़ी जो है वो पूरी ट्यूनिंग होगी, मतलब ऑयल वॉयल ये सब यहीं पर चेंज करवाते हैं, कंपनी मेंटेन गाड़ी है माशाल्लाह से ये, और ली भी यहीं से थी, तो सारे काम यहीं से करवाते हैं, बाहर किसी मकैनिक से मतलब हाथ ही नहीं लगवाता ये, और अच्छी बात है क्योंकि बाहर का मकैनिक जो काम ख़राब करता है। ये देखो ये हर चीज़ यहाँ पे भी प्रॉपर चेक की जाएगी भाई जान, जब तक हम ऊपर चलें गाड़ियाँ देखें, चलो चलते हैं, अरे चमक रहे हो आज, लाश लाश। अच्छा यार ये फिल्टर जो हर दफ़ा चेंज होता है डिब्बा उस पर, हर ऑयल के साफ कराए ना उसको, हाँ अच्छा
जबरदस्त, वो भी इसका जो जेन्युइन कंडीशन के ऊपर होता है ना। जी जी, सुजुकी का जेन्युइन है, जो नॉर्मल है वो तकरीबन 10। अच्छा, अरे यहाँ मट्टी भी तो नहीं होती यहाँ पे शहर में, उसके हिसाब से भी होता है ना। जरा मट्टी आ जाती है, सेक्शन जब हो रही होती नहीं, वैसे बाहर अगर मट्टी ज़्यादा होता तो फिर ज़्यादा पकड़ेगा ये। अभी हम फाइनली शुगर के शुगर सुजुकी के शोरूम में एंटर हो रहे हैं। अंदर जाएं, गाड़ियाँ देखें कितने की गाड़ी मिल रही है ना आजकल। ये देखो हमारे कशान साहब अंदर जा रहे हैं। सही है कशान, चलो। ये देखो ये कशान भाई के साथ भाई खड़े हैं, भाई हमें हर चीज़ यहाँ पर ये जो है गाइड कर रहे हैं गाड़ियों के बारे में माशाल्लाह से। ओबियसली गाड़ी की जो प्राइस है ना वो इंक्रीज़ हो चुकी है सब। ये देखो ये देखो एक से एक गाड़ी है माशाल्लाह। ये भी आई थिंक वैगनार है, हाँ ये भी वैगनार है। ये स्विफ्ट हो गई, और सुजुकी का कुछ और भी चाहिए हो जैसे कल्टस का है, ये वैगनार का सामान है, और ये न्यू स्विफ्ट का, तो ये सब यहाँ पर अवेलेबल है। अच्छा, जब तक हमारी गाड़ी नीचे ट्यूनिंग होती है मतलब कामरान में नीचे, तो हम इस भाई के साथ गपशप लगा रहे हैं, और ये भाई जो है ये खुद भी कराची के हैं माशाल्लाह से, तो बड़ी गपशप चल रही है हमारे ना यहाँ पर। तो ऐसी मैं था दुआ करी थी शिफ्ट थी मुझे यार, क्या बंदा सही है ही। अच्छा, आपकी जो है ना बहुत कम लगो बंदों से बनती है, लेकिन ये जो बंदा था ना इससे अच्छी हमारी गपशप हुई है। आधा घंटा बात की होगी हमने, घंटा नहीं नहीं, अच्छा बंदा था माशाल्लाह, बहुत अच्छा। वो खुद ये जो बंदा है ना, हाँ भूख लग गई ये खुद जो बंदा है ना ये खुद कराची का है बेसिकली, और यहाँ पे एक्सपीरियंस के लिए आया हुआ है, तो कह रहा है कि मैं सोच रहा हूँ वापस चला जाऊँ, लेकिन एक और चीज़ कह रहा है मैंने सोची है कि मैं अपनी फैमिली को यहाँ बुला लूँ, क्योंकि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है और बाकी चीज़ें हैं वो एज़ कम्पेयर टू कराची बहुत बेहतर है। मैंने कहा यार बहुत बेहतर है, क्योंकि वहाँ पर छीना छपटी वारदात ये सब बहुत कुछ है, मतलब ज़ाहिर है सुकून नहीं होगा तो फिर क्या करना है उस जगह को। ये देखो ये सुजुकी वालों का कार वॉश, ये अपनी गाड़ी है जी, अरे हो गई ट्यूनिंग। अच्छा, भाईजान जब तक ट्यूनिंग मुकम्मल हो चुकी है हम लोगों में, अच्छा सही है, हम गप्पे मार के आ गए। किससे बात कर रहे हो? एसपी। एसपी दिखाओ जरा भाई को, देखो फोन उठाएगा दिखाई दे यूट्यूब पे नीचे ना क्या नंबर आना पड़ा कॉलिंग। अच्छा चलो ठीक है, ये अपने एक बहुत प्यारे जिगरी को फ़ोन कर रहे हैं जो कि उठा नहीं रहा आज भी। आपके हमने एक वीडियो बनाई है, अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। कौन सी? जिसमें आप बहुत अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे किसी के फ़ोन पे। अभी फाइनली जो है ट्यूनिंग मुकम्मल हो चुकी है, अब ये लोग पीछे गाड़ी लेकर आ रहे हैं। मैंने कहा जब तक मैं ज़रा पैदल वॉक करूँ, पेट कम करूँ दो मिनट चल के ना, तो खैर पेट क्या कम होना है, अभी तो हालत ही ख़राब हुई हुई है हम लोग की। अल्लाह करे बस आज रात में दो इंजेक्शन लग जाए, और कल देखो डॉक्टर क्या कहता है। काटू कुत्ते कुत्ते छिड़की पड़ गई सर, ये है भाईजान वैगनार होगी 27 लाख की। ये अभी रेट पूछ कर आया है पीछे से, गाड़ियाँ VXL। हाँ गाड़ियाँ महंगी हो गई हैं, जब हमारी लेने के बाड़ी आई है बेचने जाओ तो सस्ती, नहीं नहीं तो गाड़ियाँ महंगी हो जाती है। हाँ सेठ फल फ्रूट लेने, बस ये उल्टे हाथ में होते ना सब्जी की दुकान आ रही है। हाँ ना ये आगे सब्जी की दुकान, अच्छा यहाँ पर जो सब्ज़ी की दुकान है ना मतलब वो है कि आप अपनी पसंद से सब्ज़ी या फल फ्रूट ले सकते हो। अभी कशार के दिमाग पे वही मौलिया मैं तेरी पक्की पक्की मशरूम का, वही अभी तक मूवी चल रही है इसके दिमाग में ना। क्या कह रहे हो? आज अभी सुबह है ना यार, अभी ज़्यादा अच्छा माल है। ये देखो अपनी पसंद की जो चीज़ उठानी है उठा लो यहाँ से।
गोल्डन है ना, ये ईरानी काला ग्लू। हाँ ये हो गए। अब ये वैसे मैं था गंढेरिया गिन गिन यार, क्या ख्याल है, लाजमी है यहाँ पर खुद अपनी मर्जी से फल फूल लेने का और सब्जी लेने का मज़ा ही अलग है। ये फ्रेश सब्जी है पूरी, आप अपनी पसंद से यहाँ पर कोई भी चीज़ चूज कर सकते हैं। कमरान भाई ये किस लिए ले रहे हो? वो तो अरे खाने वास्ते, वो तो मुझे पता है खाने के लिए ले रहे हो, खावन के लिए पता। बेर चाहूँ सेटिंग बढ़ाओ, बेर वीआईपी है ना, ये देना चाहिए कुछ सही सही चाहिए कुछ सही सही। वो आओ कैमरा भी ओवर है ना, ये देखो ये बेहतरीन चीज़ है, एक चेक कर लूँ। ये देखो ये है अमरूद है माहौल, एक गंडेरी का पैकेट उठा लो। अच्छा यहाँ ये फ्रेश सब्जी है, ये देखो यहाँ कशान क्या ले रहे हो? कितना शर्मा दे तू यार। अच्छा यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर फल फ्रूट की दुकान, सब्जी की दुकान और कुछ चिकन हो गया, दही हो गया, सब दुकान मतलब एक ही जगह पे सब आइटम मौजूद है। यहाँ पर क्या उठा रहे हो? अंडा ना, एक भी नहीं खाना, तो बस ये चीज़ है। लेकिन यहाँ अपनी मर्जी से आप चीज़ें उठा सकते हो, कोई आपको रोकेगा नहीं, जैसे कराची में हमें तो रोक लेते हैं, अपनी पसंद से आप चीज़ नहीं उठा सकते वहाँ सिर्फ। अभी फाइनली जो सुभान अल्लाह, अभी फाइनली जो सामान लेना था हम लोगों ने ले लिया है। हमारे काशी भाई, मैं नरेश आता था, गलती डालना, मैं गलती से नरेश कह रहा था। ये भाई ने सामान दिखाओ ज़रा, एक बड़ा मैं सामान दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ। ये देखो ज़बरदस्त, ये पूरा सामान वामान पैक हो चुका है यहाँ पे। अच्छा ये लोग कह रहे थे कि अभी अगर कोई यहाँ पे अपनी खातून के साथ आता है, मतलब बेगम के साथ आता है, तो उसका वो सब पैसे वैसे ख़त्म हो जाते हैं, ऐसे सही कह रहे थे आप? सही कह। भाईजान घर से फ़ोन आया कि बच्चों के लिए कल के लिए ब्रेड ले लो, समझ गए? ये चाचे ने मेरे अंदर, मैं ख्याल रखी देंगे खिंचा था, जब भी बाल जमे ये टोकरी पड़ोगी मैंने फल फ्रूट की। क्यों? ये देखो यहाँ पे ये फर्नीचर की शॉप पे आए हुए कामरान भाई। नहीं यार मैं थका हूँ, समझा कर बंद करेगी, बंद कर ना 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 ना, बस ठीक है बंद कर ना, ना मैं बारो नहीं आता, मैं नहीं आता बारो बंद। ये देखो ये फर्नीचर पसंद करना है, भाई की शादी है उसके लिए फर्नीचर लेना है। नहीं नहीं ये ड्राइंग रूम में कोई फर्नीचर वर्नीचर कुछ लगाना है तो भाई कोई सोफे वोफे पसंद करेंगे, ज़बरदस्त सही है। शॉप दिखा दूँ फर्नीचर की, पब्लिसिटी कर देता हूँ इस बंदे की ना मैं, स्वान गार्डन में ये। हाँ ना कुछ खाने का दो यार, गेट से ही बंद कर, अमरूद का और गाजर, गाजर है या माल्टा खाऊँ? कुछ बंदा खाए पिए यहाँ पर अभी आया है तो सफ़र वफर में है तो कुछ खा तो नहीं कम अज़ कम। यार वायरल कर दो वीडियो को यार, कल मूवी देखने कितने की टिकट थी? 800। और क्या खाया वहां पे? पॉपकॉर्न वगैरह खाए? किसके साथ गए थे? दोस्त के साथ। क्या नाम है दोस्त का? शाहजी। शाहजी को आप क्या पैगाम देना चाहोगे अगर वो आपको देख रहे हैं तो? शाहजी मेरी जान है। आए है जबरदस्त नंबर ले किदा ज्यादा छतरी क्या कर ले हूं नंबर मिला। ये अभी हम सीबीआर में एंटर हो चुके हैं, सामने बेकरी है तो कामरान भी गए हुए यहाँ पर ब्रेड लेने के लिए कि यहाँ की ब्रेड भी ट्राई करते हैं हम लोग किस तरह की। बस तो बाहर से ही लोग लेते थे। किसके नंबर किधर है? सामने नंबर। अच्छा ये सामने, ये सामने सामने होते। अच्छा किधर है? अच्छा सामने आई थिंक एक ब्यूटी पार्लर है। तो कशान साहब कह रहे हैं मैं देहरादून जा रहा हूँ हमारे इलाके में, अपने इलाके में, तो
जरा कोई फेशियल वेशल करवाता हूँ, कह रहा जरा नंबर डायल करो, खूबसूरत बनना है भाई का। ए खुदा दा नाम भी है, कितना सोना बढ़ से ओए अल्लाह दा नाम ना खुसरा बढ़ना तू है खैरवी। अभी ये चेहरे पे बहुत कुछ करवा के आया, सही है, चलो चलते हैं। बस हम लोग घर आए हुए हैं, अभी ज़रा कुछ जाए खाएं पिए, प्यास भी लग रही है हमें, बस अभी जाके वीडियो को वाइंड अप कर देंगे, सही है। ओके, बहुत थक चुके हैं यार। ये देखो नीचे, आई थिंक नीचे, हाँ ये फैशन बुटीक, और ये है बेकरी राहत एंड CBR स्वीट्स बेकर्स, और ये दांतों वाला बैठा हुआ है यहाँ पे, ये जबरदस्त हो गया, मौसम अच्छा हो रहा है। भाई ये हम लोग घर वापस आ चुके हैं, एक खोली गेट जरा, चाबी है मेरे को। अच्छा तो जरा इससे पहले हम वीडियो को वाइंड अप करें, यहाँ पर हम आपको जरा मंजर दिखा दें, क्या मंजर हो रहे हैं माशाल्लाह से आज किया। ये देखो यहाँ पर ये हो रही है बारिश, फल माहौल कैसा, ये सब गीला गीला हो चुका है, और ये बच्चे नहाने के लिए आए हुए हैं, वो सामने वाले भी नहाने के लिए आए हुए हैं, जबरदस्त। अच्छा तो जनाब इस खूबसूरत मौसम में हम वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला उन लोगों को अपना घर नसीब फरमाए जिन लोगों के पास अपना घर नहीं है, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। और अमरूद कैसा है, बारिश और तेज हो गया, बारिश और तेज हो गया, हाँ वीडियो यहीं पर वाइंड अप करते हैं, खुश रहिए है। अच्छा ये है कि यहाँ हमारे होते हुए तकरीबन दूसरी तीसरी बार बारिश हो रही है माशाल्लाह से, कराची में बारिश भी होती है नहीं होती। फिर मिलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अल्लाह हाफिज़। हम सब्सक्राइब करना